इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रामगढ़ पचवाड़ा से, जहां आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर पत्र डाल छात्राओं की सुरक्षा की गुहार लगाई। उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा में आवारा लड़कों द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ की जाती है। ग्रामीणों और छात्राओं ने आवारा लड़कों के खिलाफ कार्रवाई करने की थाना अधिकारी से मांग की। स्कूल आते जाते समय आवारा लड़कों द्वारा छात्राओं को परेशान किया जाता है, वहीं उनकी चुनरी भी खींच ली जाती है। स्कूली छात्राओं को आवारा लड़कों द्वारा मोबाइल देने की भी कोशिश की जाती है। रामगढ़ पचवाड़ा के कमरपुरा रोड की गणेशपुरा रोड पर आवारा लड़कों द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है। हमला हमारे बच्चियों का है सर, अपने क्या है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें हमारी बच्चियां पढ़ने आती है सीरिया रोड से, कौनपुरा रोड से, जैसे इधर कुसलपुरा रोड है, बिडोली रोड है, और जैसे कल परसों की घटना है चार पाँच दिन पहले की कि हमारी बच्ची आ रही थी इधर से, तो कुछ आवारे गुंडे होते हैं जो मतलब असामाजिक तत्व है, जो लड़कियों के पीछे बाइक जैसे स्कूल आती है जब बाइक लेके चारों तरफ घुमाते रहते हैं और उनको नंबर वंबर देने की कोशिश करते रहते हैं। और अभी परसों की घटना है कि बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की, मतलब धक्का मुक्की की, चुन्नी पकड़ के घिसा लोगों ने और मोबाइल नंबर देने की कोशिश की, फिर बच्चियों ने परेशान होकर घर वालों को अवगत करवाया, घर वालों ने मतलब स्कूल स्टाफ को अवगत करवाया, फिर हमको जैसे ही पता लगा, हमने इसकी आवाज़ पहले भी उठा रखी थी रामगढ़ थाने में, तो इंचार्ज साहब हमारी सुन नहीं रहे थे, क्योंकि हमने हमारा एक ग्रुप है ग्राम रक्षक, उसमें हमने इस बात को मैंने पहले ही अवगत करा दिया था कि सर जैसे भी ये समस्या पैदा होने वाली है, क्योंकि स्कूलें खुल गई, अब जितने भी आवारा गुंडे हैं घूमते रहते हैं बच्चों को, इनको रोको। जैसे हमने ये बात कही तो इंचार्ज महोदय ने हमें ग्रुप से रिमूव कर दिया, और ना कि मतलब CLG मीटिंग के सदस्य हैं, ना कि हमें अवगत करवाया कि CLG मीटिंग है।